दोस्तों आज की कहानी है बहू, अब तो ठंडी की बासी रोटियां भी मीठी लगेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। सुनो जी, राजी के घर जाना जरूरी ना होता तो कभी नहीं जाती, जानते हो। अब उसके जसगी का वक्त आ गए हो, ऐसी तुम्हें छोड़कर जाने में हमारा कलेजा फटने सा लगता है। मैं तो रहती हूँ तो सब कुछ देख लेती हूँ, लेकिन अब बहू से कहना जो भी सही है, संकोच तो बिल्कुल नहीं करना, समझे ना। आमद तो है ही जी हमारा लायक बेटा, कहती हुई आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे देख अनिरुद्ध जी हंस पड़े। मेरी लड्डू, पहले तू खुद को ही संभाल ले, मैं रह लूँगा, मेरी चिंता न कर। हाँ बस जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करना, कहते हुए अनिरुद्ध जी थोड़े संजीदा हो गए। दूर मुंबई में बेटी की जरूरत थी, नहीं तो मजाक किया कि निर्मला जी पति को छोड़ कर एक रात भी रही हो। सबसे कहती मेरे बुढ़ू को तो वही मैं संभाल सकती हूँ, और कोनों के बस की बात नहीं, कल सुबह निकलना था लेकिन निर्मला जी की आंखों से नींद गायब। बहु सनिया स्वभाव से ठीक है, लेकिन कब तब, अब अभी तक मेरी सलती है तो ठीक है, पर मेरे जाने के बाद क्या तेजी दिखाई, पता नहीं दुबे जी का उतना ध्यान रखे ना रखे। ऐसी ही कितनी उलझनों के बीच सुबह हुई, ना धोकर तैयार हुई, तुलसी जी को जल चढ़ा कर गोपाल जी को तैयार कर भोग लगा बैठ गई। सही बिन्ने सनिया या आ तो बहु, हाँ माँ, कहती हुए सनिया भी आंगन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गई। मैं जाना जाऊँ ना सकून से, बाबू जी का ख्याल रख लोगी ना बेटिया। हाँ माँ क्यों नहीं, आप चिंता ना करो, सब हो जाएगा, बड़े उत्साह से सनिया ने कहा। तो निर्मला जी ने श्याम की एक लंबी सांस ली, शायद 3 साल घूंट में ही सूटक उद्रस्त कर हो गई तैयार। सुनो जी, बहू से कोई संकोच ना करो, जो भी हो खुलकर कहना, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी, कहते हुए झुक गई। पास सुने सनिया भरा हाथ सर पर आया तो मन हुआ कह दे राजी से कि मैं ना आ पाऊंगी तेरे बाबूजी को छोड़कर, लेकिन बेटी मात्र तब के सौकट पर खड़ी उनका राह देख रही थी, कैसे मना कर दे। आमोद माँ को लेकर निकल पड़ा स्टेशन। इधर अनिरुद्ध जी कमरे में अनस शून्य सा सन्नाटा पसरा था, जिसने उनके मन को बींद कर रख लिया। खुद पर गुस्सा आने लगा, क्यों जाने दिया निर्मला को, उसके बिना तो एक पल भी जीना ना हो पाएगा। फिर ये 15 दिन कैसे तैसे, 1-2 दिन बीत गया। सनिया ने कोशिश की उनका ध्यान रखने की। अनिरुद्ध बाबू दोपहर में खाना खाते तो रोटी और चावल दोनों ताजा बनता, शुरू से निर्मला जी उसे निभाते आई। मजाक किया कि आज तक ठंडी रोटियां दुबे की थाली में परोसी गई हो निर्मला जी के जाने के बाद। 1-2 दिन वैसे ही हुआ, 3रे दिन ठंडी रोटी और ठंडा चावल के साथ खाना परोस सनिया निकल गई बाजार। किसी तरह अनिरुद्ध जी एक रोटी को कई निवालों में खाया और बाकी बसा भोजन गाय को डाला। हाथ मुँह धोकर कमरे में गए, निर्मला जी की फोटो देख मायूस से खिड़की पर बैठ गंगा के तट को देखने लगे। कैसे खाने की थाली लगने के बाद कुछ कह दो खाने को तो निर्मला हाथ का कोर रोक देती अपनी कसम देकर, और झटपट वह चीज बना थाली में डाल तब इजाजत देती कि भोजन का गच्चा मुंह में डालने की। और आज बहु ने ठंडी रोटी परोस दी और कुछ कहा भी नहीं, कैसे तैसे मन को संभाल घूमने निकल गए। गंगा तट पर घूम कर आए तो आमोद भी आ गया था, उसके साथ बैठकर साहेब भी और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर में
में भोजन का बुलावा आया। डाइनिंग टेबल पर पहुंची, भूख जोरों की लगी थी। थाली आई तो बाहर से मंगाया गया भोजन थाली में देख मन उसट सा गया। बहुत ठंडी रोटी जी बाबूजी, आज सनिया थक गई थी इसलिए मैंने ही आज बाहर का खाना मंगा लेता हुआ। अच्छा है, आप टेस्ट तो करिए। नहीं आमो, भूख नहीं है, मेरे लिए दूध ले आना। कमरे में कहकर थाली को प्रणाम कर उठ गए आमोद बाबूजी। जाते देख परेशान हो उठा, अभी कुछ सोच ही रहा था कि सनिया की फुसफुसेट भरी आवाज आई। देखा आमो, सब माँ की गलती है, हुआ ने बाबूजी का आदत बिगाड़ा है। अब देखो भाई वह नखरे, माँ ही उठा सकती है। मैं दूध दे देती हूँ, प्लीज तुम देकर आओ, कहते हुए मुंह बनाकर सली गई रसोई में। अभी आमोद पीछे मुड़ा, बाबूजी को देख ठिठक गया। क्या कहे, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं आमोद, सच है मेरा नखरा, तेरी माँ ही उठा सकती है। अच्छा मैं कहने को आया था कि खुश खबरी है, तू मामा बन गया। अभी कमरे में गया तो निर्मला का फोन आया, कहकर पीछे मुड़े कि आमोद उनके पेट से लग गया। बाबूजी मैं मामा बन गया और आप नाना सलिए ना सगन के यहाँ से रबड़ी और इमारती खाकर आए। आमोद जानता था बाबूजी का पेट भरा भी हो तो सगन हलवाई का इमरती और रबड़ी नहीं छोड़ते। हम कहकर सलने लगे। अनिरुद्ध जी जानते थे कि आमोद माँ बाबूजी को कितना प्यार करने वाला बच्चा है, लेकिन जीवन साथी के भावनाओं को भी समझना होता है, उसकी भी अपनी मजबूरी है। एक तरफ पत्नी तो दूसरे तरफ माँ बाप, दोनों पिता पुत्र सल पड़े। सगन की दुकान पर गरम गरम इमरती और दूध देकर अनिरुद्ध जी की भूख और बढ़ गई। दोनों ने खूब खाई, सक कर इमरती पेट और आत्मा तृप्त हो गया। बाबूजी याद है, हम अम्मा के लिए भी लेकर जाते थे ये इमरती और गरम केसर काटा दूध, और आप छुपा देते और कहते अरे हम तो तुम्हारे लिए लेना भूल गए। तब अम्मा कैसे तहलका मसाती थी और फिर मैं जल्दी से उन्हें ले जाकर दे देता, कैसे खिलखिला पड़ती थी। बाबूजी अम्मा जानती थी कि आप झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह कैसे खुश होती थी ना। दोनों टहलते टहलते गंगा घाट पर बैठे आमोद बाबूजी की गोद से सर रख। आमोद क्या हुआ बच्चा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, आज सनिया ने जो कुछ कहा मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन आज जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, आपके मन को ठेस पहुंची है बाबूजी, सच ही है माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, कहते हुए बिलख पड़ा आमोद हट पगली। इतनी छोटी सी बात मैंने सोचा क्या हो गया, बेटा बहू ने अभी गृहस्थी की शुरुआत की है, अभी तेरी माँ जैसी समझ थोड़ी ही आ जाएगी, और मैंने तो बुरा नहीं माना। उठ जा मेरे शेर, तेरे बाबूजी की हड्डियों में अब दम नहीं, मेरा पैर दुखने लगा, कहते हुए अनिरुद्ध जी हंसने लगे। आमोद उठ बाबूजी के गले लग गया, तभी फोन की घंटी बजी। देख आमोद, इस हिटलर को हम कितने जोरदार तरीके से याद कर रहे कि उसका फोन भी आ गया। हेलो पा पड़े जी, कैसे हैं, खुश रहो, जैसे छोड़ गई थी उससे भी अच्छे, तुम अपनी कहो। सुनो जी, बहुत ध्यान तो रखती है ना त्योहार और खाने के वक्त रोटी गरम बना कर देती है ना, जाने क्यों मन में ये ख्याल आया। वह पहले भी कहती थी ना कि माँ रोटी पहले ही बना कर रख दे का, इसलिए ये ख्याल थोड़ी आया, थोड़ी आलसी है, बाकी आप जो कहो सब करे कि अरे हाँ भाई, रोटी दाल सब्जी सावर सब गरम गरम मिलता है, और इस समय तो हम बाबू के साथ घाट बैठे हैं, तुम्हारी कमी तो है लेकिन हमारा बेटा जो है, तुम चिंता ना करो। अच्छा बताओ हमारी बेटियां और नाती कैसे हैं, सब ठीक है जी, सोचती हूँ आते वक्त उन्हें साथ ले आओ। हाँ अम्मा जल्दी ले आओ हमारे भांजे को, तब सब मिलकर ऐसे ही गंगा घाट पर बैठ मस्ती करेंगे, और अम्मा सगन की इमारती और
केसर दुदुसी की पार्टी होगी। हाँ बिटवा, जल्दी ही बस तुम दोनों बाबूजी का ध्यान रखना है ना, कहकर सुबह कूटी नीरमला जी। फिर फोन कट गया। आमोद बाबूजी के शरणों में गिर पड़ा। बाबूजी, आज आपने मुझे माँ के नजरों में गिरने से बसा लिया। एक पिता जीते जी अपने बेटे को गिरने देगा क्या बाबू? हाँ मेरे सीने से लाग जा, मेरी सारी सुखता को शांत कर दिया। अब तो ठंडी सोड़बासी रोटियां भी मीठी लगेगी, कहते हुए बेटे को सीने से लगा लिया। अनिरुद्ध जी ने अच्छा चलो, थोड़ी हिम्मत भी बहू के लिए लिए ले ले, उसके साथ भी वही खेल खेले जो तेरी अम्मा के साथ खेलते थे, कहते हुए ठाका मार हंस पड़े अनिरुद्ध जी। पिता ने बेटे की पीठ पर हाथ रखी, दोनों सल पड़े। उनकी लंबी परसाई विशाल काया सी